नांदेड़ में कांग्रेस के कद्दावर नेता बन चुके हैं वसंत राव जी चव्हाण, और यहां पर अशोक पर्व की समाप्ति के बाद अब वसंत पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सर बहुत बहुत मुबारक हो, आपने भाजप की जो मजबूत घेराबंदी थी वो तोड़ दी है, तो क्या भावना है आपकी? ये नांदेड़ जिले में तो अभी तक कांग्रेस की चल रही है, जिला परिषद होता हूँ, ये सब कांग्रेस की ताबे में थे जब अशोक राव कांग्रेस में थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी में चले गए। अब उन्होंने जाने के बाद उनको लगा होगा ये सब जिला मेरे पीछे आएंगे, लेकिन लोगों ने वैसा नहीं किया, उनको जाने दिया लेकिन खुद कांग्रेस में रहेंगे, मतदान जगह पर रहेंगे और कांग्रेस को वोटिंग। क्या आपको ये अनुमान था कि इतनी बड़ी तादाद में मतदान होगा आपको? जरूर, पहले से मैं एक महीने पहले बोला चुनाव मतदान होने के बाद 1 लाख वोटिंग से मैं चुन जाऊंगा, मैं पहले जी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा था उसी तरह से हुआ है, और वसंत राव जी चव्हाण नांदेड़ के नए सांसद हैं और कांग्रेस के नए कद्दावर नेता बन चुके हैं। विलास आड़े, इंडिया टीवी, नांदेड़।